वन विभाग हमीरपुर ने बिरोजा दोहन मामले में दो ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है और एक मामले में ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के बिरोजा दोहन किया गया है तो दूसरे मामले में वन विभाग के द्वारा बिरोजा दोहन निकालने के लिए ठेकेदार का पहला परमिशन दिए जाने और काम करने के बावजूद भी परमिशन रद्द किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ठेकेदार के ऊपर वन विभाग द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि बिना परमिशन के बिरोजा दोहन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्ती से निपटेगा। उन्होंने बताया कि एक मामले में ठेकेदार के बिना अनुमति के बिरोजा निकाला गया है जिसकी जांच विभाग करवा रहा है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। उसमें एक्चुअल में दो बंदों की कंप्लेंट्स थी। एक जो था जब उसकी वहां पे चेकिंग की गई थी उसने अप्लाई किया हुआ था हमारे पास रेजिन की परमिशन लेने के लिए, रेजिन एक्सट्रैक्शन की, तो उसकी परमिशन जो थी वो डिस्कार्ड कर दी गई थी क्योंकि उसके पास जितना एक रिक्वायर्ड नंबर था उनका उसके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो लेकिन उसने इन एंटिसिपेशन फॉरेस्ट में काम शुरू कर दिया था अपने प्राइवेट लैंड में बिरोजे का, तो जैसे वो विभाग के ध्यान में आया था तो उसके काम को डिसकंटिन्यू करवा दिया गया था और उसको मना कर दिया था कि वो दोबारा से पत्तियां नहीं लगाएगा। वो तो जैसे ही ध्यान में आया था एकदम से मामला जो था वो एकदम से विभाग ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया था। दूसरा जो केस है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको परमिशन मिली हुई है बट उसने परमिशन से बढ़ के कुछ 16 पेड़ों पे उसने अनऑथराइज तरह से पत्तियां जो है इसकी बिरोजे की लगा के रखी हुई थी। वो भी मामला हमारे ध्यान में आ गया है। उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है पूरे साल जो उसने, अब बिरोजे का सीजन बंद हो चुका है, 15 नवंबर तक होता है इसका सीजन, तो पूरी जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट गौरतलब है कि वन विभाग हमीरपुर के नालटी बीट में कई दर्जन चीड़ के पौधों से बिना अनुमति के बिरोजा निकालने का काम किया जा रहा था जिसकी शिकायत मिलते ही वन विभाग हरकत में आया है और छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के जनरल।